जा रहे थे इस सीन को देखने के लिए, लेकिन रास्ते में क्या हुआ आपको पता है? नहीं तो देखो वीडियो सिरे से, तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे थे और क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं काठलंग। तो मैं सोचा कि आपके साथ भी काठलंग शेयर किया जाए, काठलंग का जो व्यू है वो शेयर किया जाए। तो बेसिकली नुमान और आफ्ताब के यहाँ जाना है, और उसको मैंने कहा कि हमें जो है हफ्ते के दिन आपके यहाँ आना है। तो उसने कहा कि आ जाओ, थोड़ा गपशप भी लगाएंगे और चक्कर भी लगाएंगे कि आपको थोड़ा सा काठलंग में दिखा सकूँ। तो मेरे साथ अभी मौजूद है मजीद भाई, जो मेरा क्लासमेट है। सलाम करो मजीद भाई। है है। और दो दोस्त और भी हैं, अभी जो है किसी काम के लिए वो बाहर गए हैं। वो अभी मैं शेर बाज़ार में खड़ा हूँ, तो अभी उसका कुछ काम है। तो जब जैसे ही आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर तक हमारे साथ चलिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन भाई ये देख रहा है। तो आइए चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है भाई कि अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और वो लोग चले गए, मजीद भी चला गया और दो दोस्त और भी चले गए बाहर, कुछ काम है उसका। तो बहुत देर कर दिया, अब मैं बोर होने जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी भी है यहाँ पर। हाँ तो दोनों आ गए अभी, तो उसके साथ आपको मिलाते हैं, थोड़ा हेलो हो जाए तो, और कैमरा को घुमाते हैं आपसे मिलाते हैं उसको। तो ये है हमारा भाई आदिल अफरीदी और ये है शेरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शेरहान भाई जो है वो ड्राइविंग कर रहा है और आदिल उसके साथ बैठा हुआ है अगले सीट पे। हाँ भाई, यो तो आपको नज़र आ रही है, ये एक बड़ा मदरसा है, यहीं से बहुत बड़े बड़े आलिम यहाँ से जो है वो फारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो शंकर में है। इसका बेसिकली मुझे नाम नहीं आ रही है सही तरीके से, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत बड़ा मदरसा है। यार रास्ते में भूख लगी तो हमने सोचा कि कुछ फ्रूट ले ले, तो इसको हम पुश्त में सवाल रखे थे तो वो हमने ले लिया और भी कुछ फ्रूट ले लिए। अभी मैं आपको नज़र आ रहा है कि मैं अभी ये खा रहा हूँ सवाल, हम पुश्त में सवाल रखे थे, तो मुझे पता नहीं है किसको क्या बोलते हैं। जब हम पहले सेमेस्टर में थे तो इस रास्ते से हम जाया करते थे। और आपको मैं अपना ओल्ड कैंपस भी दिखाऊंगा, शंकर का जो कैंपस था। अभी हम गार्डन पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम यहाँ यहीं से जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। तो पुराने यादें हैं क्योंकि बस सेमेस्टर और अब हम एट सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर, तो सेट होने की बात है, खुशी की भी बात है क्योंकि हम अब एयर सेमेस्टर में हैं। और की बात है कि लास्ट ईयर है, तो यही से हमारा ओल्ड कैंपस शुरू होती है जो शंकर में है। अभी आप देख रहे हो ये भी अब्दुल रेहान यूनिवर्सिटी का कैंपस है, शंकर वाला, बहुत ही अच्छा कैंपस था ये। अभी हम यही से गए हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी मतलब दूसरे ब्रांच गार्डन में, ब्रांच अभी इसमें नहीं है, लेकिन बहुत सी यादें यहाँ पर हमारे जुड़ गए हैं क्योंकि दो साल और वो भी नए नए साल, यानी हम जूनियर अभी हम सीनियर, वाह क्या बात थी। तो यही से काठलंग का जो एरिया है वो शुरू हो जाता है और वेलकम तो बनती है ना।
क्योंकि हम नहीं बल्कि मैं पहली दफ़ा काठलंग जा रहा हूँ, तो वेलकम बंद है तो कौन करेगा वेलकम। खैर मैं खुद भी अपने आप को वेलकम कर देता हूँ, वेलकम टू द लैंड ऑफ काठलंग। हम आते हैं मेहमान और अफ्ताब, तो उसका वेट कर रहा है, जैसे ही आएंगे तो आपको उससे मिलवाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा है कि अफ्ताब आ गए वही होटल, तो उसने कहा कि आप हमारे पीछे आए, क्योंकि उनका इलाका हमें बिल्कुल मालूम नहीं था, तो वो बाइक पर जा रहे और हम इसके पीछे जा रहे उनके गांव। तो सीन कुछ ऐसा है, ये नुमान भाई ये और हम हैं, हमारा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, और ये है आफ्ताब जो अपने बाप के मिडिल की हिस्ट्री बयान कर रहा है, जिनको मिल गए हैं, मतलब वो सोल्जर में था, मतलब सिपाही था, पाकिस्तान आर्मी में उनको मेडल मिल चुके हैं, एक बहादुर सिपाही था, एक बहादुर सोल्जर था, अभी जो है वो रिटायर हो गया है, तो उनके बारे में बातें हो रही है। तो आइए चलते हैं, आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि काठलंग कैसा है। तो अब हम बाहर चलेंगे, आफ्ताब और मम्मी हमसे मिल गया, अभी हम बाहर चलेंगे तो आपको सारा व्यू दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पर आए थे आफ्ताब की जगह, तो बहुत मज़ा आया, अब हम घूमने के लिए बाहर चलते हैं और आपको काठलंग पूरा का पूरा दिखा देते हैं। कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको दिखाए, अगर पूरा नहीं दिखाया तो उसके लिए माजरा ख्वाह है। ऐसा है कि अब हम काठलंग इंटरचेंज के सामने खड़े हुए हैं, ये नीचे आप देख सकते हो ये रिंग रोड है, मोटरवे है, और सीन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा थी, तो लोगों ने नहीं बल्कि मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पर हम उतरते हैं और फोटो शूट करते हैं दूसरे के लिए। तो ये आप पीछे देख सकते हो, ये शिल्पिया निकाल रहे हैं शिल्पिया, तो वहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी जगह है, आप मेरे पीछे पहाड़ भी है,
बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रही है यहाँ से। सेल्फी बना रहे तो कोई कह रहे कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, तो वो टाइम उसने यहाँ पर स्पेंड किया। अभी चलते हैं वहाँ पर एक होटल है, तो उसने कहा कि अफ्ताब ने कहा कि वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर हमने जाना है, वहाँ चाय पी कर फिर आगे जाना है। तो अभी आगे जाते हैं, यहाँ पर फोटो शूट हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि क्या हुआ, हमारा गाड़ी जो है वो ख़राब हो गया और अब हम खड़े हुए। तकरीबन हमारा यहाँ पर टाइम लग गया आधा घंटा, तकरीबन आधा तो नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा, मतलब तकरीबन 45-50 मिनट यहाँ पर लग। अब हम गाहे पहुंच गया है, ये काटलंग का यहाँ पर गरीज इलाका है। तो अब हम हंगाऊ पहुंच गए जो काटलंग का गरीज इलाका है, पहाड़ी इलाका। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे, अभी मैं पुल व्यू भी देता हूँ, इसके बाद जो है बुनेर शुरू होता है ना, और ये गरीज इलाका है, बहुत ही अच्छा व्यू है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी यहाँ पर भी फोटो शूट शुरू हो गया और यहाँ पर देखो, अभी फुल व्यू में देता हूँ लेकिन ऐसा ही सबसे पहले मैं अपने आप को भी शो कर दूँ। हाँ तो भाइयों, अपना मोबाइल का फ्लैश लगा के हम अब वीडियो कर रहे हैं क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है और सही तरीके से वीडियो नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना मोबाइल फ्लैश ऑन करके आपसे थोड़ा बातें करें। अब हम जो टॉप पर खड़े हुए, ये है हंगाऊ यानी काटलंग का बहुत अच्छा जगह है, गरीज इलाका है यानी पहाड़ी इलाका है। टाइम की वजह से हम यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से वो हम नहीं पहुँचे, मतलब हमने जो सोचा था कि हम जाएंगे टॉप पर और वहाँ पर वीडियो भी करेंगे, लेकिन गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, आपने देखा होगा। तो इस वजह से हम
लेट हो गए और जो टाइम था वो हमसे गया, क्योंकि या अभी वीडियो करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास लाइटिंग की कोई भी सिस्टम नहीं है। तो अभी अपना मोबाइल ओपन किया है और पीछे देख सकते हो वो पहाड़ है, वो सारे के सारे पहाड़ है, लेकिन लाइटिंग की वजह से आप इसे नहीं देख सकते, तो उसके लिए माजरत हुआ, आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर दें। तो सीन कुछ ऐसा है अभी कि अभी हम आफ्ताब ने बहुत फोर्स किया, तो अब हम गाड़ी से उतरकर हम कबाब खाने के लिए जा रहे हैं। ये है मशहूर कबाब जो आफ्ताब भाई ने बहुत तारीफ़ किया, तो हमने कहा कि चलो आपकी मान लेते हैं, खा लेते हैं। अगर उन्होंने कहा कि अगर मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस, तो इसलिए हम नीचे गाड़ी से उतरकर यहाँ पर आ गए। हाँ तो बहुत मज़ा आया, हमने कबाब खा लिया और अब चलती ना है और फिर चलना है और डायरेक्टली घर को चलने, क्योंकि बहुत देर हो गया। मेरे पीछे देख सकते हो अंधेरा, तकरीबन मेरे ख्याल में 7:15 है और बात करते हैं रास्ते में अगर मौका मिलता है। बस आज के लिए इतना, कभी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।